एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर इसका जवाब आपको आता है तो मेरे तरफ से आपके लिए सल्यूट है। ऐसा कौन सा संस्थान है जो अपने एस्टेब्लिशमेंट डे को ब्लड डोनेट करके मनाता है? हम में से सब नहीं ज़्यादातर लोगों को किसी का मदद करने का अगर मौका मिले तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, और अगर किसी की ज़िंदगी बचाने का मौका मिले तो, और 3 जिंदगियां बचाने का मौका मिले तो बहुत खुशी होगी, है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है और बचपन से ही हमें पता है कैसे, रक्तदान जीवन दान। अब ज्ञान बांटने से पहले कुछ मिथ या भ्रम जो हमने पाल रखे हैं रक्तदान को लेके, उन्हें दूर करना चाहता हूं। रक्तदान करने से तबीयत खराब होती है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम रक्तदान करते हैं या फिर ब्लड डोनेशन करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर हमारी जो RBC है वो वापस से रीजनरेट हो जाती है, और 3 हफ्ते के अंदर अंदर WBC, और जो लिक्विड शरीर से लॉस होता है वो पानी पीने से कुछ ही घंटों के अंदर वापस से बन जाता है। अगर हम दवाई ले रहे हैं तो हम ब्लड नहीं दे सकते? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी है, और वैसे भी ब्लड डोनेशन से पहले आपका फुल चेकअप किया जाता है। दर्द होता है दोस्तों, एक चींटी काटने के बराबर जितना दर्द होता है उतना ही ब्लड डोनेशन के वक्त दर्द होता है। ब्लड डोनेशन के बाद हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेशन आपके फिजिकल एंड्योरेंस को कभी भी अफेक्ट नहीं करता है, और ये रिकमेंड किया जाता है कि उस दिन आप हैवी वेट्स या फिर जिम में वर्कआउट ना करें, लेकिन नेक्स्ट डे से आप अपने नॉर्मल रूटीन में वापस जा सकते हैं। ब्लड डोनेशन के वक्त हमें HIV या फिर दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं? जी नहीं, ब्लड डोनेशन जब कैंप लगता है या फिर आप ब्लड बैंक में देते हैं तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो ड्यू मेडिकल प्रोसीजर को फॉलो करती है, और जो निडल वहाँ पे यूज होता है उसे प्रॉपर, हर एक डोनेशन के वक्त नया निडल यूज होता है, और यूज होने के बाद उसे प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता। हमारे शरीर में लिमिटेड ब्लड होता है और उसे दान करना हानिकारक होता है। जी नहीं, एक ब्लड डोनेशन के टाइम में 350 से 450 ml ब्लड ही लिए जाते हैं, और हमारे शरीर में भरपूर मात्रा की ब्लड होती है जिससे डोनेशन कोई हानि नहीं पहुंचाता, और जो ब्लड हम डोनेशन करते हैं वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम वापस से बन जाता है, और 3 महीने के बाद हम वापस से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सोच रहे होंगे कि मैं ब्लड डोनेशन के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में पहले से ही सेफ ब्लड मिलना बहुत मुश्किल था और COVID-19 ने ये दिक्कत और बढ़ा दी है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने अप्रैल में ही एक अलार्म राइज किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 100% के लेवल पे ब्लड डोनेशन करने वालों की संख्या कम हो गई है। अब देखते हैं ब्लड डोनेशन की कितनी जरूरत है हमारे देश में और इससे कितने लोगों की जाने जा रही है। हर साल हमारे देश को 5 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन अवेलेबल होता है सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट ब्लड। हर 2 सेकंड में किसी ना किसी को ब्लड की जरूरत होती है, हर एक दिन में 38,000 यूनिट। और आप सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए, एक कार एक्सीडेंट में घायल हुआ इंसान को 100 यूनिट ब्लड तक चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, इसे आप जैसे अच्छे इंसान ही डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट ऑफ ब्लड इज गिफ्ट ऑफ लाइफ। जरूरी नहीं कि आप होल ब्लड दें। जब हम कहते हैं कि एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जानें बच सकती है, क्यों? क्योंकि एक होल ब्लड में होता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड सेल्स और क्रायोप्रेसिपिटेट। इसे हम अलग अलग तरीके से भी डोनेट कर सकते हैं जिससे लोगों की जानें बचती हैं अलग अलग बीमारियों में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डोनेट जाके कहाँ करें, आप किसी भी ब्लड बैंक में जाके कर सकते हैं। आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते होते हैं। फेसबुक के सेटिंग्स में आप जाके डोनर बन सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, फ्रेंड टू सपोर्ट, वहां जाके आप डोनर बन सकते हैं। और किसी को भी ब्लड की अगर जरूरत है किसी भी सिटी में, वहां आप जाके डोनर्स को ढूंढ सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको एक संस्थान के बारे में पूछा था जो अपना एस्टेब्लिशमेंट डे या फिर अपना वार्षिक महोत्सव ब्लड डोनेट करके मनाती है, और वो संस्थान का नाम है नेशनल कैडेट कोर। आज 22 नवंबर है, NCC डे के नाम से हम मनाते हैं, और हर साल की तरह NCC कैडेट्स इस बार भी 1 हफ्ते तक ब्लड डोनेशन कैंप्स चलाएंगे। NCC कैडेट्स चाहे नेचुरल डिजास्टर में मदद करना हो, COVID-19 पैंडेमिक में मदद करना हो, या फिर जागरूकता अभियान चलाना हो, वो हर वक्त आगे रहते हैं। मेरा ये वीडियो भी उन वीर NCC कैडेट्स के नाम ही डेडिकेटेड है।
आखिर में दोस्तों मैं तो जा रहा हूं डोनेट करने, क्या आप भी जाएंगे? खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपने गैरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल के रहिए, और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।